नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 1 जून से हॉल मार्किंग जरूरी, 34,647 ज्वेलर्स ने कराया पंजीयन, 11,250 रुपए शुल्क। ईवे बिल में ट्रांसपोर्टर्स को मिल सकती है राहत, देरी पर लगता है भारी जुर्माना। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में ट्रांसपोर्टर्स को बड़ी राहत दी जा सकती है, उन्हें ई वे बिल एक्सपायर होने की हालत में लगने वाली पेनाल्टी से छूट दी जा सकती है। ट्रांसपोर्टर के इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने काम शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्टर कारोबारियों ने वित्त मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया था, साथ ही मंत्रालय में अधिकारियों को भी इस बारे में प्रेजेंटेशन दी गई है। जानकारी के मुताबिक कारोबारियों की सबसे बड़ी मुश्किल होती है ईवी बिल का एक्सपायर होना। मौजूदा व्यवस्था में एक दिन में 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए ईवी बिल की मान्यता होती है, वही अगर दूसरी 1000 किलोमीटर की है तो ये समय 5 दिन का होता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल नवीन कुमार गुप्ता ने बताया कि ट्रक यदि तय समय सीमा से देर से पहुंचता है और ईवी बिल एक्सपायर हो जाता है तो उस हालत में सामान पर लगे टैक्स के मुकाबले 200% का जुर्माना देना होता है। सरकार से मांग की गई है कि मौजूदा व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से बदलते हुए राहत दी जाए। उनके मुताबिक कई जरूरी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पहुंचाना होता है। ऐसे में कई जिलों की सीमा में नाइट कर्फ्यू लगे होने से नियमों के पालन में मुश्किल आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आज लगातार 15वें दिन स्थिर रही है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 90.56 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर रहा। डीजल की कीमत भी 80.87 रुपए प्रति लीटर पर। गत 30 मार्च के बाद से दोनों जीवाश्म ईंधनों के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अन्य महानगरों में भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। 1 लीटर पेट्रोल मुंबई में 96.98 रुपए, चेन्नई में 92.58 रुपए और कोलकाता में 90.77 रुपए का मिला। 1 लीटर डीजल की कीमत मुंबई में 87.96 रुपए, चेन्नई में 85.88 रुपए और कोलकाता में 83.75 रुपए रही। पेट्रोल डीजल के दाम की रोजाना समीक्षा होती है और उसके आधार पर हर दिन सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की वैल्यू सारे रिकॉर्ड तोड़कर $64,000 यानी 47.93 लाख रुपए से ऊपर निकल गई। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि ट्रेडरों का ध्यान अमेरिका के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन बेस ग्लोबल इंक की लिस्टिंग पर रहा। लंदन में बुधवार को एक बिटकॉइन की वैल्यू 1.4% बढ़कर $64,100 यानी 48 लाख रुपए से कुछ ज्यादा हो गई है। बिटकॉइन में लगातार 7 दिनों से तेजी का रुझान देखा गया है, जो 2021 की शुरुआत से लेकर अब तक इस क्रिप्टो करेंसी में तेजी का सबसे लंबा सिलसिला है। बिटकॉइन को लेकर निवेशकों में इसलिए है कि माना जा रहा है कि लिस्टिंग के बाद कॉइन बेस ग्लोबल इंक की वैल्यू $100 अरब यानी 7.49 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच सकती है, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक स्टॉक मार्केट की कंबाइंड वैल्यू से ज्यादा होगी। दरअसल दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की स्वीकार्यता बढ़ रही है, यही कारण है कि इस साल अब तक बिटकॉइन में 120% उछाल आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। वैश्विक मोटर स्पोर्ट संस्था FIA द फेडरेशन इंटरनेशनल डील ऑटोमोबाइल ने एशिया की सबसे बड़ी हेलमेट विनिर्माता कंपनी स्टीलबर्ट के साथ हाथ मिलाया है। इस गठबंधन के तहत FIA का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल मार्केट में संयुक्त राष्ट्र के नियम 22.05 के अनुरूप हेलमेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। FIA इसके लिए दुनिया भर में फैले FIA के मेंबर्स क्लब नेटवर्क के जरिए संयुक्त राष्ट्र नियमों के अनुरूप ये हेलमेट उपलब्ध करवाएगा और ये सब हेलमेट FIA भारतीय हेलमेट ब्रांड स्टील पर सप्लाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। सरकार 1 जून 2021 से गोल्ड की ज्वेलरी हॉलमार्किंग अनिवार्य की करने की तैयारी में है। पहले यह 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाला था, लेकिन ज्वेलर्स और एसोसिएशन की मांग पर इसे अगले 6 महीनों के लिए टाल दिया गया। यानी अब आपको 1 जून से हॉलमार्क के निशान वाली ही ज्वेलरी मिलेगी।
सरकार ने नवंबर 2019 में गोल्ड ज्वेलरी और डिजाइन के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य किया था। इसके लिए देश के सभी ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग पर शिफ्ट होने और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक साल से ज्यादा का समय दिया था। बाद में ज्वेलर्स ने इस डेडलाइन को बढ़ाने की मांग की थी। अब तक देश के 34,647 ज्वेलर्स ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS में हॉलमार्किंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। BIS 5 साल की लाइसेंस फीस ₹11,250 लेकर ज्वेलर्स को यह लाइसेंस देती है। सरकार ने सूक्ष्म उद्योग को स्टार्टअप और महिला उद्यमियों के लिए नया भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस और प्रमाणन देने को लेकर वार्षिक अंकन नवीनीकरण शुल्क में 50% कमी की घोषणा की। सरकार ने ये भी कहा कि BIS की सेवाएं अब हर किसी के लिए मुफ्त में उपलब्ध होगी और इसे BIS के मान्यीकृत पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मौजूदा लाइसेंस धारकों को 10% की अतिरिक्त छूट दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 1 जून से हॉलमार्किंग जरूरी, 34,647 ज्वेलर्स ने कराया पंजीयन, ₹11,250 शुल्क। ईवे बिल में ट्रांसपोर्टर्स को मिल सकती है राहत, देरी पर लगता है भारी जुर्माना। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।